हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज़ मिसेस ज्योति सिंह, द सब्जेक्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4.7, द स्वॉर्ड इन द स्टोन फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। सो इन दिस स्टोरी व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट, वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द राइटफुल किंग। ओके, द राइटफुल किंग ऑफ वेयर, द राइटफुल किंग ऑफ द ब्रिटेन। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट द किंग आर्थर। हु इज ही? ही इज अ फेमस लेजेंड एंड हिस्ट्री हैज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द नोबलेस्ट किंग ऑफ द ब्रिटेन। ओके, सो हु इज किंग आर्थर? द आर्थर इज अ ग्रेटेस्ट किंग, लेजेंड ही इज। ओके, वी विल नोन हिज नेम for his bravery and his noblest king, okay, king quality. So grew up as an orphaned youth. Okay, ये किस तरीके से पला बड़ा है? ये एक orphan की तरह पला बड़ा है। orphan मतलब अनाथ। okay, before the destiny invented in the form of his protector and the guardian Merlin the magician to reveal his true identity to the people of the Britain. ओके, सो डेस्टिनी इसका आगे आने से पहले ही है। जो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन था? मर्लिन करके एक मैजिशियन था। उन्होंने ये बता दिया है कि है ना, ये ब्रिटेन का ट्रू किंग है करके। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन एंशिएंट ब्रिटेन एट टाइम व्हेन द लैंड वाज इन्वेडेड बाय द वाइल्ड बारबेरियंस, द गॉड एंड द नोबल लॉर्ड आर्थर found the bravery and drove them away from his land. So जब ब्रिटेन, एंशियंट ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा कौन इन्वेड करते थे? वाइल्ड बारबेरियंस। सो वाइल्ड बारबेरियंस मतलब ये एक तरीके का प्रजाति के लोग हैं। ये लोग है ना, बार बार युद्ध प्रकट करते थे एंशियंट ब्रिटेन के ऊपर। ओके, और यहाँ पे ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? दैट वॉज द लॉर्ड आर्थर। ओके, he always fought bravely and drove them away from his land. वो always ये barbarians से लड़ाई करके उन लोगों को पराजय करके शिकस्त कर देते थे। The people made him king of the Britain and gave him the title Pendragon. Okay, so यहाँ पे जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, किंग आर्थर को उन लोगों ने किंगडम दिया है और उनको एक टाइटल भी दिया गया है गौरव प्रदान का, दैट इज पेन ड्रैगन, मीनिंग द ड्रैगन्स हेड। ओके, द किंग आर्थर पेन ड्रैगन रूल्ड ब्रिटेन वाइसली एंड वेल। वाइसली मीन्स बहुत शातिर तरीके से, बुद्धिमत्ता से। ओके, एंड द पीपल वर कंटेंट। वहाँ पे सब उनकी प्रशंसा करते थे, सब खुश थे। बट वेरी सून द किंग डाइड। अलास, इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन poisoned by some traitors. उनको, लोगों को ऐसा लगता था कि किंग आर्थर को किसी ने पॉइजन करके मार दिया गया है। देर वॉज नो हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ब्रिटेन। हेयर मीन्स HEIR, इट मीन्स वारिस। ओके, सो सब ये सोच रहे थे कि है ना, अभी ब्रिटेन के लिए कोई भी वारिस नहीं है, वो गद्दी के ऊपर राज करने के लिए। थ्रोन मीन्स गद्दी। ओके, जो राजा का सिंहासन रहता है। द पावरफुल लॉर्ड्स इन द नाइट्स who had been kept under control by the king Arthur now began to demand that one of them should be the crowned king of the Britain. So here what is happening actually, when the Lord Arthur got, that means when he had died, so whoever under him, the knights, okay, and the powerful lords under him, no, they keeps on fighting that I would like to be a king and I have to sit on that throne. Okay, in this way the clashes were continuously going on in the Britain. Rivalry grew among the lords and the country as whole began to be suffer. Okay, जब इन लोगों के बीच में राइवलरी इम्प्रूव हो गया, दुश्मनियाँ बढ़ गया हैं, तो पूरे कंट्री लोगों को सफ़र करने पड़ा है, पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं। सो आर्म्ड रॉबर्स रोम्ड बाय द कंट्री साइड। ओके, आर्म्ड रॉबर्स मीन्स जो चोरी करने वाले हैं, आर्म्ड रॉबर मीन्स जिन लोगों के पास में हथियार है। अंडरस्टूड? एंड
पिलैगिंग फार्म्स एंड द फील्ड्स, वो लोग लोगों का है ना सब चीज़ें छीन लेते थे, फील्ड्स का, फार्म्स का, फार्मर्स का फील्ड्स छीन लेते थे, सबका लूट लेते थे. सो दीज कंटिन्यूसली थिंग्स वर गोइंग ऑन व्हेन द राजा, दैट मीन्स द किंग, हैड डाइड. ओके, पीपल फेल्ट अनसेफ एंड इनसेक्योर इन देयर ओन होम्स. लोग अपने खुद के घरों में भी है ना बहुत इनसेक्योर फील करते थे. ओके, फियर ग्रिप द कंट्री एंड द लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडिंग किंगडम. ओके, वाई द लॉलेसनेस, दैट मीन्स वेन द राजा, द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन, सो ही विल रूल द एंटायर किंगडम, सो ही हैज टू मेड द लॉस. सो वेन दिस पर्सन इज नॉट देयर हियर, सो फियर हैज ग्रिप द एंटायर कंट्रीज, कंट्री में सब लोग डरे हुए सहमे हुए लगने लगे. और यहाँ पे कोई लॉलेसनेस है, मतलब कि है ना कोई भी कोई चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, दैट मीन्स राजा ही नहीं है तो हम लोग क्यों फॉलो करेंगे, लाइक दिस वे. ओके, सो आई prevailed over the divided kingdom. So the people has started dividing their kingdoms because एक चीज़ याद रखिए कि एक बहुत बड़ा छत्रपति या फिर महाराजा रहता है ना, उनके हाथ में, हाथ के नीचे बहुत सारे सामंत रहते हैं. सो ये सामंत कौन है? दीज आर द अदर लॉर्ड्स एंड द नाइट्स. सो वेन द राजा इज नॉट देयर ऑन दैट थ्रोन, द किंग वॉज नॉट देयर ऑन दैट थ्रोन, सो द पीपल विल सिक्योर देम सेल्व विद देयर सामंत्स. Understood, no? So they divided the kingdom. Now, nearly 16 years had passed since the death of the King Arthur. All the lords and the knights of Britain had assembled at the great church of London for the Christmas. So, this thing has taken place 16 years ago. Okay? So, when the king death has taken place. Sorry, when the death of the Lord Arthur. Okay, since the death of the Lord Arthur, then afterwards what has happened? The lords, all the lords and the, all the kings has got assembled at the great church of London for the what purpose? For the occasion of the Christmas. On Christmas morning, just as they were leaving the church, a strange sight drew their attention. In the churchyard was a large stone and on it an anvil of the steel, and in the steel a naked sword was held. Okay, so when they were entered in the Christmas church, Christmas morning, no, when they were leaving the church, they have seen a strangest thing. What was that strangest thing? So in the churchyard, church ke aangan mein ek bahut bada sa patthar tha, wo patthar ke upar ek स्टील का स्वॉर्ड रखा हुआ था, नेकेड मतलब बिना उसका कोई कवर अप किया हुआ. ओके, एंड अबाउट इट टू हैज रिटन इन द लेटर्स ऑफ द गोल्ड, हुसो पुलेट आउट दिस स्वॉर्ड इज बाई द राइट ऑफ द बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड. सो दीज वर्ड्स हैज रिटन और इंस्क्राइब्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्वॉर्ड. व्हाट डज इट मीन दैट हुएवर विल पुल इट आउट दिस स्वॉर्ड, नो, ही इज द राइट king of that England. This is the meaning of that. Okay, now many of the knights could not hold themselves back. See what will happen, no? If these people are the knights and the lords, and whenever any challenge has come to their help in their fourth place, they will move forward instead of getting backside. Understood? ये एक राजा महाराजा लोगों में या फिर सामंत लोगों का है ना एक nature रहता है, जब उन लोगों के सामने कुछ चुनौती आती है वो लोग वो चुनौती को स्वीकार करते हैं. सो बहुत सारे लोगों ने है ना खुद को रोक नहीं पाया. फैंसीइंग देमसेल्व्स एज अ फ्यूचर किंग्स, और सब लोग फैसिनेटिंग करने लगे, सब लोग ख्वाब देखने लगे कि है ना हम फ्यूचर के राजा बनेंगे करके. दे रश्ड टू द स्टोन एंड अटेम्प्टेड टू ड्रॉ द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टील एनविल. ओके, सब लोग है ना, बहुत सारे लोग वो स्टोन के पास जा पहुँचे हैं, जा पहुँच के कोशिश करने लगे हैं कि वो स्टील वाला स्वॉर्ड को स्टोन से निकालने का. दे पुल्ड विथ ऑल देयर माइट बट नन ऑफ देम कुड सो मच एज मूव एज द स्वॉर्ड. ओके, बहुत सारे लोग कोशिश किए हैं, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट बट नो वन फ्रॉम देम
has pulled out that sword. Not even the single inch of that sword has been moved from its place. So obviously the man who might draw the sword and prove himself to be a rightful king is not amongst us this morning. ओके सो ऑब्वियसली सब लोग ने ये सोचने लगा है कि जो भी इस चीज़ को ड्रॉ कर पाएगा, जो भी इस चीज़ को निकल पाएगा, वो राइटफुल किंग रहेगा इंग्लैंड का या फिर ब्रिटेन का. तो इन सब में से हम लोगों में से कोई भी ये मॉर्निंग में नहीं है. असेड द एशिप आर्क बिशप. ओके नाउ हाउएवर एवरी मैन हु विशेस टू ट्राई हिज हैंड एट ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड इज फ्री टू डू सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. ओके सो यहाँ पे बिशप ने ये बोला है कि है ना, जो कोई भी अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं, कि कोई किसी को भी विश है कि ये स्वॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, सो दे कैन ट्राई देम सेल्फ फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज. ओके ही हू ड्रॉस ही द स्वॉर्ड विल बी द क्राउंड किंग. इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी होने दो ये स्वॉर्ड को ड्रॉ करेंगे, कोई भी होने दो ये स्वॉर्ड को निकल पाएंगे तो वो यहाँ का राजा बनेंगे. एंड टू सेलिब्रेट द अपेयरेंस ऑफ हिज मैग्निफिसेंट स्वॉर्ड एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द अराइवल ऑफ द फ्यूचर किंग वी विल होल्ड मैग्निफिसेंट टूर्नामेंट ऑन अ न्यू ईयर्स डे. ओके सो वहाँ पे बिशप ने ये बताया है कि जो कोई भी इसको निकालेंगे, कि ये मैग्निफिसेंट वाला स्वॉर्ड को निकालेंगे, तो हम लोग तभी है ना हमारे सोच लेंगे कि हमारे फ्यूचर राजा आ गया है. तब तक हम लोग है ना एक टूर्नामेंट के बारे में है ना न्यू ईयर तक करते हैं. ओके On the New Year's Day, a great number of the young and the brave knights gathered to attend the church service. So, New Year Day पे वह है ना बहुत सारे लोग, brave knights, young people has came to church service and they have started participating in the great tournament. Okay, so who has arrived over there? Dukes and the counts, earls, barons and the knights crowded onto the field. ये सब लोग है ना field में आके बहुत सारा भीड़ बन चुका है. ओके सो ये क्या है? ड्यूक्स, काउंट्स, ईयर्स एंड बर्न्स एंड द बैरन्स एंड द नाइट्स, ये सब है ना जो राजा के नीचे रहने वाले अलग अलग पदवी में लोग रहते हैं ना, ये वो लोग हैं. अमंग देम वॉज अ सर एक्टर, अ नोबल नाइट. ही वॉज अकम्पनीड बाई हीज टू सन्स, सर के यंग ऑर्थर. ओके सो यहाँ पे है ना सर एक्टर आए थे जो एक बहुत ही बड़ा अच्छा नाइट था. ओके सो उन्होंने है ना अपने दो लड़कों के साथ में आया है. उनका नाम क्या है? के एंड यंग आर्थर. सो के वॉज हिज ओन सन एंड हु हैड बीन रिसेंटली नाइटेड. ओके सो यहाँ पे एक्टर का है ना खुद का लड़का के था, जो अभी अभी है ना उनको नाइट बनाया गया था. सो आर्थर whom he had brought up as a foster son was actually an orphan whom he had raised as his own child. The good sir actor loved both of his sons dearly. Okay, so यहाँ पे है ना जो राजा के दो ये एक्टर का जो दो बच्चे थे ना, एक खुद का था और ऑर्थर है ना उन्होंने दत्तक लिया था और वो एक एक्चुअली ऑर्फन था. लेकिन ये एक्टर जो है ना इन्होंने दोनों अपने लड़कों को बहुत प्यार से रखता था, दोनों को साथ में प्यार देता था. एज सर के वॉज प्रिपेयरिंग टू जॉइन द टूर्नामेंट ही रियलाइज दैट ही हैड लेफ्ट हिज स्वॉर्ड बिहाइंड एट होम. हेस्टिली ही समंड हीज यंगर ब्रदर एंड सेड टू हिम, आर्थर यू वॉन्ट टू मी टू विन दिस टूर्नामेंट डोंट यू? देन यू मस्ट हेल्प मी आउट, टेक माई हॉर्स, गैलप होम as fast as you can, get my sword and rush back here to once. So यहाँ पे सर के ने है ना ये बता दिया है कि प्रिपेयरिंग करना था, वो टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयरिंग करते करते उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि उन्होंने अपना तलवार स्वॉर्ड है ना घर पे ही छोड़ आया है. सो हेस्टिली बहुत ही गाय गाय से अपने ब्रदर को समन करते हुए, नज़दीक बुलाते हुए उन्होंने ये बताया कि आर्थर में है ना मेरा स्वॉर्ड घर पे भूल चुका हो, तुम चाहते हो कि मैं जीतूं तो जल्दी जल्दी मेरे हॉर्स के ऊपर गैलपिंग करके घर पे जाके मेरा स्वॉर्ड लेके आ जाओ. यहाँ पे एक ही तरफ से आई
I am going, called Arthur, rushing off at once. You shall have your sword sooner than you think. और यही बात सुनते हुए Arthur ने बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम है ना, मैं इतना फास्ट जाऊँगा कि है ना तुम सोचने से कंप्लीट, ये तुम स्वॉर्ड के बारे में सोचने से पहले ही मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा. हैज़ ही रश्ड पास्ट द चर्च, द ग्लाइंट ऑफ स्टील कॉट हिज आइज, द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन. ओके, जैसे ही वो वहाँ से चर्च से निकल रहा था तो ये जो स्टील का जो है ना वो उसकी आंखों में पड़ा है रोशनी. वो ब्लेड जो है ना स्वॉर्ड का बहुत शाइन कर रहा था, ब्राइटली शाइन कर रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम था, सूरज की रोशनी की वजह से. द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन अनवेल एट टॉप ऑफ द ब्लॉक ब्लैक ऑफ मार्बल. ये कहाँ पे रखा हुआ था, एक ब्लॉक ऑफ मार्बल के ऊपर है ना उसको पॉइंटेड शेप में रखा गया था. राइट इन द मिडल ऑफ द चर्च यार्ड, इट वॉज अ मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन, बट Arthur न्यू नथिंग अबाउट इट. Arthur इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि ये एक मैजिक स्टोन है करके. ऑल ही न्यू, ऑल ही सॉ वॉज अ स्वॉर्ड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग. ओके, वॉट ही हैड थॉट, एक्चुअली दिस के नो दैट ही हैज केम फॉर द टूर्नामेंट, बट द Arthur डजंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द स्वॉर्ड एंड द winning of the tournament, and he really doesn't have any idea regarding the if one were the one who draws the king, draws that sword, no, he will become the king. He doesn't have any idea regarding this. He only having a idea in his mind that if I take this, I can give the same sword to my brother, need not to go to home to bring the sword of my brother. Okay, so K shall have his sword straight away, Arthur said to himself. He ran up to the stone, seized the sword by the handle and drew it out effortlessly. He rushed back to his brother and handed the sword to the him, breathless with excitement. So K देखते ही देखते क्या हुआ है, straight K के सामने गया, उसको बोला कि है ना यहाँ पे स्ट्रेटली स्वॉर्ड दिख रहा है. सो Arthur यहाँ से निकल गया है, स्टोन के पास गया है, एक ही झटके में स्वॉर्ड को सीज किया है, निकाल दिया है विदाउट एनी एफर्ट्स. ओके, सो एफर्टलेसली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स, बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई मेहनत किए उसने स्वॉर्ड को बहुत ईजीली निकाल पाया है. He rushed back to the brother and handled the sword to him breathlessly and excitedly. और वो वहाँ से निकल गया है, निकल जाके अपने भाई के हाथ में ये sword रख दिया है. Okay, और excitedly रखा है. You are back very soon, sir, K said to him. But hey, this is not my sword. So K ने है ना ये sword देख के पूछा है, तुम घर से जाके भी आ गए हो, लेकिन ये मेरा sword नहीं है. No, it isn't, smiled Arthur. Arthur ने बोला, हाँ ये तुम्हारा नहीं है. I thought it would take me too long to get home and bring you a sword. I found this sword in the churchyard. It looked good and I thought you could use it just for today. Okay, so मैंने है ना ये सोचा है कि चर्च यार्ड में मैंने ये स्वॉर्ड को देख लिया है, मैं सोचा घर पे जाने तक बहुत देर हो जाएगा, इसीलिए मैंने है ना वहाँ से लेके आया, और मैंने ये सोचा कि है ना ये तुम्हारे तलवार जितना अच्छा नहीं होगा, हाँ लेकिन तुम एक दिन के लिए तो ये यूज़ कर सकते हो. वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम आर ओवर. ओके, बाद में बोल दिया है कि हाँ ओके चलेगा. हु आर सेइंग टू हुम, द Arthur इज सेइंग टू द के दैट ओके यूज़ दिस फॉर टुडे एंड व्हेन द थिंग वॉज गेट ओवर, द टूर्नामेंट गेट ओवर, नो वी विल कीप दिस स्वॉर्ड एज इट इज in its place. Okay, Sir K stood speechless because he know everything, that the one who draws the sword, he is the actual king. Staring at his younger brother, he knew all about the magic sword and what its significance, but Arthur was unaware of at all it. Okay, Arthur had always been brave and valiant boy, and he had excelled इन फेंसिंग एंड आर्चरी. ओके, एक्चुअली है ना के स्पीचलेस हो गया है. स्पीचलेस क्यों, क्योंकि इसने ये वो चीज़ को निकाल के लेके आया करके वो
स्टन हो गया है, ओके, सदमा लग गया है उसको, और सदमे में ही कड़ा हो गया, लेकिन उसके यंगर ब्रदर आर्थर जो है उसको ये स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ओके। आर्थर ने एक्चुअली वेलियंट बॉय है बहुत, उसके अलावा वो है ना फेंसिंग और आर्चरी में है ना बहुत ही एक्सेलेंट है। सो ही एडोर्ड हिज फादर एंड हिज हाफ ब्रदर एंड हिज ड्रीम वॉज टू बिकम अ स्क्वेयर टू हिज डैशिंग ब्रदर एंड नाउ without even knowing what it implied, Arthur had drawn the magic sword from the stone. K's mind was working rapidly. He actually held in the sword of the stone in his hand. K ये सोचता रह गया कि बहुत सारे strongest and best knights ने है ना इसको एक grip लगा कर भी है ना इसको hold नहीं कर पाए. Sir K seized the sword and ran to their father, leaving the bewildered author behind him. He said, Sir Ector, father, this is the sword of the stone. I have it in my hand. I am the rightful king of Britain. देखो इसके ब्रदर ने इसको धोखा देने की कोशिश किया है और उसने ये किया है कि है ना कि ये है ना देखो ये स्वॉर्ड अभी मेरे हाथ में आ गया है सो मैं एक राइटफुल किंग हूँ ब्रिटेन का करके उसके पापा के पास भाग निकला। सर एक्टर वॉज अ वाइस मैन हाउ डिड यू होल्ड दिस स्वॉर्ड सोन सन ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट ब्रॉन उसने उसके लड़के को पूछा कि तुमने इसको पकड़ा कैसा वॉट इज दैट वॉट डज मैटर आई हैव इट इन माई हैंड इट वॉज इट मीन्स दैट इट टू बी माइन इजेंट दैट इज इनफ। सो सर एक्टर ने अपने बड़े लड़के से पूछा कि तुमने इसको तुम्हारे हाथ में लिया कैसे तो उन्होंने पूछा इजेंट इट नॉट इनफ सेड द फादर क्वाइटली हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ इट्स स्वॉर्ड ओके अंडरस्टूड। सो यहाँ पे पापा फिर से पूछने लगा है कि है ना कि ये तुमने लिया कैसे तो के ने आंसर दिया है गुस्से में आके कि क्या मतलब बनता है कि ये मेरे हाथ में है तो मैं ही राजा हूँ ना ऐसे बोल दिया। आई गॉट इट एंड दैट्स वॉट मैटर के रिप्लाइड स्टबर्न एज एवर सो ही हैज टोल्ड दैट ही हैज टोल्ड टू हिज फादर दैट इफ इट इज़ इन माई हैंड वॉट इज़ द अदर मैटर्स यू रिक्वायर सो इन अ स्टबर्न लैंग्वेज ही हैज टोल्ड टू हिज मदर देन Well then, come to me, Sir Ector said, and led his son inside the great church, which was now empty. Taking the holy books from the choir, Sir Ector said to his son, Swear on the holy book that you drew the sword from the stone. Okay, Sir Ector ने क्या किया है चर्च के अंदर लेकर गया है और चर्च के अंदर बहुत ज़रा emptiness था मतलब लोग नहीं थे सो वहाँ पे है ना choirs चल रहे थे सो उसमें से है ना होली बुक लिया है एक्टर ने और उनके बेटे को बोला है कि इसके ऊपर तुम स्वेयर करके बता दो कि ये तुमने निकाले हों। सर के लोअर्ड हिज आइज ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ बिकॉज ही वॉज टेलिंग द लाइज सो हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन सर एक्टर आस्क्ड हिम वंस अगेन सो अगेन द सर एक्टर हैज आस्क्ड हिज सन दैट हाउ डिड यू गॉट दिस स्वॉर्ड आर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर सेड के Still with the eyes are lowered because ये शर्मिंदगी है क्योंकि उसके पापा से उसने झूठ बोला है ये शर्मिंदगी की वजह से उसने बता दिया है अपने आँखें नीचे करके कि ये चीज़ मेरे को ऑथर ने ला के दिया है Bring ऑथर here and let the three of us go to the churchyard. Sir Ector told him, we have to know the truth about this. Okay, sir. Sir Ector ने बोला कि आर्थर को मेरे सामने लेके आओ और हम तीनों चर्च यार्ड में जाते हैं और अभी ये सच है ना मैं जानना चाहती हूँ सून द थ्री ऑफ देम वर एट द चर्च यार्ड दोनों तीनों चर्च यार्ड पहुँच गए पुट द स्वॉर्ड बैक ऑन टू इट्स एंड विल सर एक्टर सेड टू द के को सर ने बोला है कि है ना उसका जो बनाया हुआ एनविल मीन्स ये चीज़ रहता है जो एक है ना स्वॉर्ड रखने के लिए एक चीज़ बलिपीटम बोलते हैं वैसा एक चीज़ है जिसके ऊपर वो स्वॉर्ड को रखा गया है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द iron okay that anvil is made up of the iron but try as he might K could not put the sword back it struck the anvil and slid off the block okay wo jab kabhi bhi anvil K uske upar rakhne jata tha wo slid hota tha always apni jagah se Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with them because he has thought the sword was stolen okay usko aisa laga ki
उसके पापा गुस्सा हो गया है क्योंकि उनके पापा को शायद से ऐसा गलत फहमी हुआ है कि इन दोनों ने उसको चोरी किया है करके। सर एक्टर हैड ऑलवेज टोल्ड हिज सन व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर अ नाइट इज अ इंटीग्रिटी बीइंग हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल एट द टाइम्स ऑन ऑल द ओकेशंस। सो उसको उसके बाप की याद बातें याद आई है, उसके पापा का बात याद आया है सर एक्टर का, कि एक अच्छा नाइट वही होता है जिनको अंदर इंटीग्रिटी रहती है, हॉनेस्ट रहती है, ट्रूथफुलनेस रहते हैं, भले कोई भी ओकेशन रहने दो। और द स्टेप फॉरवर्ड इम्पल्सिवली हियर लेट मी पुट इट बैक ही सेड एंड टेकिंग द माइटी स्वॉर्ड फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर ही थ्रस्ट इट बैक टू द एनविल एंड स्लिप्ड इट नीटली। ओके उन्होंने अपने बाई के हाथ से लेकर है ना रहने दो मैं कर देता हूँ करके लेके उसको प्रॉपरली रख दिया है। आई अश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टील द स्वॉर्ड के नीडेड द स्वॉर्ड अर्जेंटली एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू कीप हिम अवेटिंग। ओके रैदर देन राइड ऑल द वे होम आई डिसाइडेड टू टेक द स्वॉर्ड विच आई फाउंड इन द चर्च यार्ड एंड सी इट इज़ बैक इन इट्स प्लेस नाउ। I fully intended to put it back in the place after the tournament. And glancing at his brother, he added, I am sure that is what K would have told me to do. I wouldn't you, brother? Okay, so यहाँ पे author ने उसको बाहर पीछे रखने के बाद उसके पप्पा से बोलने लगा to the sir actor that actually what was the matter that K needed the sword urgently, so I thought that it is not good to go home again. So whenever I saw this, I thought that I will draw it and we will use it after the tournament. We will keep it over here only. Really, we were not intended to steal this sword. Okay. और यहाँ पे ये बोलता हुआ ये बोला है अपने भाई की तरफ glancing तरीके से देखते हुए कि ब्रदर आप मेरे जगह पर रहते तो आप भी यही कर देते ना, नहीं कर देते क्या। सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। ओके ऑल राइट ऑथर आई बिलीव यू सेड सर एक्टर नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम फर्स्ट यू के। ओके सो के को बोल दिया है कि तुम ऑथर को बोला है कि मैं देख लेता हूँ कि है ना किसने इसको किस तरीके से निकाला है। ओके But try as might, K could not so much as grip the handle and he could not move the sword however hard he tried. Okay, K ने पहला उसको निकालने की कोशिश किया है, उसकी फादर ने ऑर्डर किया है अभी कि पहला कोई तुम निकालो करके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो कितना भी प्रेशर अप्लाई किया वो नहीं निकल पाए। Now it's your turn, author, said the sir actor sternly. Okay, एक्टर ने ऑथर की तरफ देखते हुए बोला कि अभी तुम्हारा टर्न है, तुम निकालो। ऑर्थर ग्रिप द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट जेंटली बट फॉर्मली। ओके लेकिन ऑथर ने ग्रिप बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैंडल के ऊपर पकड़ के, उन्होंने बहुत जेंटली फॉर्मली निकाल दिया है। सो सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन। ईच टाइम ऑर्थर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत बार वो रखा भी है, निकाला भी है, क्योंकि उसके फादर टेस्ट कर रहा था उसकी बार बार। सर एक्टर वॉज ओवरवेल्ड, बहुत खुश हो गया था। ही फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिज यंग सन हु हेल्ड द माइटी स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड बोव्ड हिज हेड इन डीप डिवोशन वर्डलेसली के फॉलोड हिज एग्जाम्पल। ओके और ये खुशी के मारे है ना सर एक्टर अपने छोटे लड़के के सामने घुटने टेका है और उनको डिविएट करने लगा है, वर्डलेसली कुछ बोला नहीं है, और इसी राह पे है ना अपने पापा की तरह ये के भी चलने लगा। ऑर्थर जंप बैक इन सरप्राइज, फादर व्हाई डिड यू नील बिफोर मी, आई एम नॉट योर सन। यहाँ पे ऑर्थर है ना एक ही टाइम पे वो मार्बल से नीचे उतर के नीचे जंप करके पूछने लगा कि आप मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो, क्या मैं आपका लड़का नहीं हूँ क्या। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट अनटिल नाउ सर के रिप्लाइड। ओके के ने बताया कि अभी तक हम लोग वही सोच रहे थे, बट नाउ आई नो बेटर आई नो हु सन यू आर। मैं अभी बहुत अच्छी तरीके से पहचान गया कि तुम किसके लड़के हो। यू आर द सन ऑफ द गॉड गुड किंग अथर पेनड्रैगन एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ द ब्रिटेन नाउ। ओके सो किंग के ने सर के ने यह बता दिया है कि तुम किंग ऑथर के लड़के हो
और तुम है ना इस ब्रिटेन के राजा हो आप. हाउ कुड दैट बी? यू एंड आई नो दैट आई वॉज एन ऑर्फन बॉय इंटरेस्टेड टू योर केयर. ओके, तो यहाँ पे है ना ऑर्थर ने ये बोला, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो है ना मैं एक ऑर्फेनेज लड़का था जो है ना तुम्हारे केयर में पला बढ़ रहा था. साइलेंटली सर एक्टर पॉइंटेड टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन विच ऑर्थर होल्ड इट. ओके, सो साइलेंटली सर एक्टर ने है ना ये स्वर्ड के ऊपर जो लिखा गया था ना वो दिखाने लगा. और ऑर्थर डजंट नो एनी अबाउट दैट स्वॉर्ड, सो ही हैज रीड दैट whoso pulled out the sword by the right of the king of the England. Okay, but it cannot be me, father. I am your son and I shall always remain your son. Okay, यहाँ पे Arthur टेंशन में आके ये बोलने लगा कि ये मैं नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारा लड़का हूँ और मैं तुम्हारा ही लड़का बने रहूँगा. There was a flash of light and Merlin appeared before him. बिफोर दैम, मर्लिन एक मैजिशियन है जो है ना फ्लैश ऑफ लाइट की वजह से वो वहाँ पे अपीयर हो गया है. अ हुडेड फिगर विथ अ ब्राइट शाइनिंग आइज एंड द बीविच्ड स्माइल. ओके, यहाँ पे मर्लिन कैसे लग रहा था? हुडेड फिगर था उन लोगों का, बहुत ब्राइट था, शाइनिंग आइज था, बहुत विचिंग के जैसा स्माइल था. लविंगली ही लेड हिज हैंड ऑन आर्थर हेड एंड सेड टू हिम. लविंगली बहुत प्यार से उन्होंने आर्थर के सिर के ऊपर हाथ घुमाया है और बोला, इनडीड आई वॉज द वन हु इंटरेस्टेड यू टू गुड सर एक्टर फॉर योर ओन सेफ्टी. वहाँ पे मर्लिन ने ये बताया है कि है ना मैं तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे भले के लिए सर एक्टर के पास तुमको सेफली छोड़ दिया है. योर फादर एंड आई न्यू दैट द ग्रेट डेंजर ले अहेड फॉर द किंगडम एंड योर सेल्फ. और मेरे को ये पता था कि है ना तुम्हारे पापा को भी ये पता था कि बहुत बड़ा डेंजरस है कि तुम्हारे पापा के ऊपर, किंगडम के ऊपर और तुम्हारे ऊपर. इसीलिए नो सूनर देन यू वर बॉर्न योर फादर ब्लेस्ड यू एंड हैंडेड यू टू मी विद द सॉलेम्न रिक्वेस्ट दैट यू वुड टेक योर राइटफुल प्लेस ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वेन इट वॉज सेफ फॉर यू टू डू सो. ओके, सो मर्लिन ने यह पता दिया कि तुम्हारे पापा ने तुमको पैदा होते ही हमारे हाथों में सौंप दिया है, हमको दिया है. एंड जब उन्होंने ये बताया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम इस गद्दी को संभालने के लायक हो जाओगे, ये किंगडम को देखने के लायक हो जाओगे, तब तुमको इस तरीके से करवाने के लिए. सो टर्निंग टू सर एक्टर मर्लिन सेड, इन द नेम ऑफ द लेट किंग आर्थर आई थैंक यू. You have done a splendid job of bringing up in the heir of the British throne. Okay, now you must inform the Archbishop and your fellow knights all that has happened here. I shall await your return. Okay, so यहाँ पे सर एक्टर की तरफ देखते हुए मर्लिन ने बोला है कि है ना जो राजा मर चुका है, मैं उनकी तरफ से है ना आपको बहुत थैंक्स बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. यू हैव डिड अ स्प्लेंडेड जॉब एंड यू हैव टेक केयर ऑफ हिज हसन विदाउट एंड यू हैव ग्रोन हिम लाइक अ हेयर. ओके, सो आपका एक और फर्ज बनता है अभी यहाँ पे से जाके है ना आर्क बिशप को सब चीज़ें बता दीजिए. ओके, और सब लोग मेरे पास रिटर्न आ जाइए करके. फोर्थ विथ द सर एक्टर कॉल्ड अपॉन द आर्क बिशप एंड ऑल द लॉर्ड्स assembled at the tournament holding author by the hand, he announced to the assembly, behold the rightful king of England. Okay, इतने में है ना सभी लोग आ गए. सर एक्टर ने सबको, आर्क बिशप को बुलाया है और उसी जगह पर है ना सारे लॉर्ड्स जो टूर्नामेंट के लिए आए हैं सब लोग असेंबल हुआ है, सब लोग साथ में आ गया है. और उसी टाइम पर ये सर एक्टर ने है ना आर्थर का हाथ पकड़ते हुए बोला है, ही अनाउंस टू द असेंबली, यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ असेंबली को कि ये ही हमारा राइटफुल किंग है. ओके, फॉर अ मोमेंट देर वॉज अ साइलेंस एंड देन द क्राउड बस्ट आउट इन द एंग्री एंड प्रोटेस्ट. हाउ कैन वी बिलीव यू? हु इज दिस अननोन बॉय? वेयर डिड ही कम फ्रॉम? ओके, एंड हु इज ही एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस? सो यहाँ पे लोग है ना थोड़े टाइम साइलेंस बैठ गए हैं और बाद में प्रोटेस्ट करने लगे, झगड़ा फसाद करने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आया है,
कि हम ये चीज़ को बिलीव कैसे करें, और उसके अलावा कि क्या ये इंसान हमसे भी बेटर है क्या, ये सब पूछने लगा. द आर्क बिशप टूक देम ऑल इन टू द चर्च यार्ड. द एंटायर असेंबलेज वॉच्ड इन ओ As the author inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly, some of the lords and knights also tried to draw the sword but failed to do so. Okay, आर्क बिशप ने सबको असेंबल किया है, सबको साथ में लेके आया है चर्च यार्ड में, और बोला है कि है ना ये ऑसम या फिर ये ऑफुल चीज़ें देखने के लिए. ऑर्थर ने है ना वो एनविल के अंदर फिर से स्वॉर्ड को रख दिया था. तो बहुत सारे लोग हैं ना आके कोशिश किया है उसको उठाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो गए. अगेन एंड येट अगेन ऑर्थर ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन बिफोर हीज पीपल. ओके, ईच टाइम चीयर्स वेंट अप एंड ईच टाइम मोर एंड मोर नॉइट्स ड्रू देयर स्वॉर्ड्स एंड हेल्ड देम हाई इन द गेस्चर ऑफ लॉयल्टी टू हिज न्यू फाउंड प्रिंस. ओके, जब कभी भी वो आर्थर वो स्वॉर्ड को रखता था, निकालता था, तब है ना बहुत सारे नाइट है ना मान लिए थे कि ये हमारा ही राजा है, और उन लोग ने बहुत गेस्चरली किया है लॉयल्टी से कि हम लोगों को राजा मिल गया है करके बहुत चीयर अप करने लगे. लाउड चीयर्स रोज फ्रॉम द कॉमन पीपल हु हैड सराउंडेड द चर्च यार्ड ईगर टू द ग्रीट देयर न्यू किंग. ओके, बहुत सारा चर्च में है ना लाउड साउंड चीयर सुनाई देने लगा, चीयर सुनाई दिए गए हैं कि सारे लोग है ना अपने राजा के मिलने की खुशी मना रहे थे. नाउ द मर्लिन स्टेप्ड आउट ऑफ द शैडो एंड एड्रेस्ड टू द क्राउड्स. और मर्लिन है ना फिर से शैडोज में चले गए हैं और सारे लोगों को, सारे क्राउड को ये बता दिया है, बी होल्ड ओ पीपल ऑफ द ब्रिटेन आई प्रेजेंट यू द वन एंड द ओनली द सन ऑफ द किंग आर्थर Pendragon and his queen. He is your rightful king. Okay, इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ है. यहाँ पे मर्लिन शैडो में जाते हुए सभी लोगों को ये बताया गया है कि सब संभाल लीजिए, अभी ये तुम्हारा सभी पीपल जो है ना ब्रिटेन का, मैं तुम लोगों को तुम्हारे राजा सौंप रहा हूँ. जो कौन है, जो सन ऑफ द, ही इज़ अ सन ऑफ द किंग आर्थर Pendragon एंड his queen. Okay, now he is your rightful king. Then afterward, everyone has lived their life very happily in this kingdom. The chapter is over. Thanks, children, for watching this video. Take care and bye-bye. Stay safe.